हेलो एवरीवन मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस से यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज 5 जनवरी 2023 आज के अपन करंट जीके की शुरुआत करने जा रहे हैं जो भी साथी हमारे साथ पहली बार चैनल से जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले कल के रिवीजन से देखेगा कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति ने संविधान उद्यान लोगों को समर्पित किया राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अठारहवीं जम्बूरी का उद्घाटन आज करेंगी अठारहवीं जम्बूरी का थीम गीत अध्यापक दीपक जावा ने लिखा था चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान करने के लिए मिशन नौ शुरू किया मतदान को 90 प्रतिशत से ऊपर ले जाने के लिए आयोग मिशन नौ पर काम करने जा रहा है इसके लिए नौ मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा मित्रों आगे देखिएगा हमने पढ़ा था कल पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया मित्रों और नवासी साल की उम्र में मशहूर गायिका सुमित्रा सेन का निधन हो गया है केरल के मुख्यमंत्री पीना विजयन ने केरल के कन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया मित्रों और यूपीए ने दिसंबर में रिकॉर्ड सात पॉइंट बयासी अरब लेनदेन को प्रशस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने चार अनुपात एक के बहुमत से बरकरार रखा नोटबंदी का फैसला और डीआरडीओ ने अपना पैंसठवां स्थापना दिवस एक जनवरी को दोस्तों हाँ जी एक जनवरी को मनाया था आज शुरुआत करते हैं आज के करंट से दोस्तों आज का जो राजस्थान के करंट जी के क्वेश्चन है वहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों कल क्या घटना घटी थी उसके बारे में सारे अपने विस्तार से चर्चा करेंगे राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान में आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय सम्मेलन को संबोधित किया मित्रों अभी आपको पता ही है आपको पता राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे राजस्थान दौरे पे है मित्रों मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपका भी समय हमने बचत करना है ठीक है हमें ना तो कोई ऐड करनी हमें सिर्फ पढ़ाने से मतलब है मित्रों आगे देखिएगा हाँ जी राष्ट्रपति ने स्काउट गाइड के महाकुंभ का उद्घाटन किया मित्रों राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पाली जिले के रोहट में अठारहवीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया मित्रों ये कल ये जम्बूरी जो ये चलेगा अठारहवीं स्काउट गाइड जम्बूरी ये चार से दस जनवरी के मध्य ये चल चलने वाला है मित्रों आपको पता ही है और चार जनवरी को इसका उद्घाटन किया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने आगे बढ़ रहे हैं आगे देखिएगा मित्रों मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने रोहट में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया दोस्तों आपको पता है अठारहवीं जम्बूरी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भी वहाँ पे उपस्थित थे उन्होंने रोहट में विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन साथ साथ में किया दोस्तों इसमें बताया कि उड़ान योजना से जुड़ी महिलाओं का हौसला उन्होंने बढ़ाया मित्रों देख रहे हो आप तस्वीर के अंदर भी आप आगे देखिएगा मित्रों राज्य में इससे पहले राष्ट्रीय जमहूरी का आयोजन कब हुआ था आपको ये बताना है हमारे राजस्थान में इससे पहले भी राष्ट्रीय जमहूरी का आयोजन हो चुका है आपको वो बताना है कब हुआ था तो मित्रों अपन बात कर लेते हैं उन्नीस के अंदर हुआ था दोस्तों ये भारत का दूसरा जमहूरी था दोस्तों कौन सा था भारत का दूसरा जमहूरी था और ये राजस्थान का क्या था राजस्थान का राजस्थान का पहला था राजस्थान का मित्रों क्या था पहला जमहूरी था ठीक है साहब तो अब फिलहाल भारत को आपको पता है अभी फिलहाल 2023 के अंदर जम्बूरी का आयोजन करवा करने जा रहा है इससे पहले हमने उन्नीस में करा था हाँ जी आगे देखिएगा मित्रों राज्य में अब तक कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ है अब बताइएगा उन्नीस में हमने इससे पहले किया था और अब हुआ उन अब हुआ है दो के अंदर मित्रों अब कब हुआ है दो के अंदर इसका हाँ जी इसका आयोजन हुआ है तो अब देख ही लीजिएगा मित्रों कितने साल का हाँ जी सड़सठ वर्ष का अंतराल है मित्रों कितना वर्ष का कितने वर्षों का अंतराल है सख्त सिक्सटी सेवन वर्षों का अंतराल हो जाएगा राज्य में अब तक कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनपुरी का आयोजन हो रहा है सिक्सटी सेवन वर्षों के बाद आगे बढ़ रहे राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति दो को लागू किया गया ये नीति देख लीजिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नीति है जो बेघर व्यक्तियाँ हैं ना उनका सर्वे और चिन्हीकरण किया जाएगा इसके माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री राम टीकाराम श्री टीकार जुल्ली की अध्यक्षता में बेघर ये बेघर लिखा हुआ दोस्तों बेघर उत्थान पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन के संबंध में टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया आगे देखेगा दोस्तों प्रदेश में ब्रेजो को पचास वर्ग दोस्तों जो बेघर है उनको 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति के न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों जो बेघर व्यक्ति है ना उनको 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति के न्यूनतम जगह के साथ उनको क्या मिलेगा उनको घर मिलेगा विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाना बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम का संचालन करवाना दोस्तों ये सारी इनमें विशेषता हो जाएगी आपकी आगे देखिएगा पेयजल शिक्षा सुविधा शिक्षा सुरक्षा आदि मूलभूत आवश्यकताएं उनको मिलेगी पात्र जो लोग होंगे इसके अंदर शिक्षा कौशल उनको रोज़गार उपलब्ध करवाया भी जा करवाकर उनको सशक्त बनाया जाएगा मित्रों आगे देखिएगा हाँ जी अब पर यह राजस्थान का ज़्यादा करंट अफेयर कल का नहीं था इसलिए थोड़ा सा जो भी था मैंने करवा दिया अब देखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया दोस्तों एशिया का सबसे पहला देश बना है तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि विश्व का पहला देश कौन सा फिर विश्व का पहला देश कौन सा हो जाएगा हाँ जी एशिया का पहला देश है तो देखेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिख रही होगी आपको ये है हाँ ना संचालित ट्रेन दिख रही होगी दोस्तों चीन ने हाइड्रोजन पे चलने वाली गैस बना दी देख लो हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन बना दी हाँ जी भारत भी इस पर काम कर रहा है मित्रों लेकिन भारत सोचता है कि हम स्वदेशी आधार पर इसको बना के चलाया जाए चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाले जर्मनी विश्व का देश दोस्तों ध्यान दीजिएगा दे, यहां पे जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है ना सबसे पहले विश्व के अंदर सबसे पहले शुरू किसने करी थी जर्मनी ने शुरू करी थी दोस्तों जर्मनी विश्व का पहला देश है यहां से भी आपका इंपोर्टेंट बन सकता है चीनी कंपनी सी आर एस सी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति एक सौ साठ किलोमीटर होगी मित्रों और यह बिना ईंधन से भरे छह सौ

जो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक दोस्तों तथा तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेंगे आगे देखें दूसरा फैक्ट क्या है ये दुनिया में एकल नदी जहाज़ द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी क्रूज जिसे गंगा विलास क्रूज के नाम दिया दोस्तों क्या नाम दिया गया देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आइए हाँ जी ये थोड़ा सा ये लगा लीजिएगा इसको गंगा विलास क्रूज नाम दिया गया है पचास दिनों में गंगा भागीरथी हुगली ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित सत्ताईस नदी प्रणालियों के साथ चार हजार किलोमीटर की दूरी तय की की जाएगी मित्रों आगे देखेगा हाँ जी ऑनलाइन गेमिंग के सट्टेबाजी पर होगी रोक सरकार ने जारी किया कंपनियों के लिए नया ड्राफ्ट दो जो दोस्तों ऑनलाइन अभी फिलहाल गेमिंग चल रही है उसके अंदर फ्रॉड चल रहा है आपको देखा होगा आपने कोई चीज़ खरीदते ऑनलाइन गेमिंग के अंदर है ना फ्री फायर वगैरह ये गेम चल रहा है इसके अंदर

जिससे क्या होगा फ्रॉड होगा ना तो आप क्या होगा उसके पते पे अपन आप जा सकते हैं दोस्तों पुलिस कार्रवाई कर सकती है करने का प्रावधान रखा गया है ऑनलाइन गेमिंग के अंदर क्या होता है यदि पता वेरिफिकेशन या मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं होगा ना तो हमें पता नहीं लग पाएगा कौन कहाँ से ऑपरेट कर रहा है उस चीज़ को नए ने नियमों के ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के, के तहत लाया जाए दोस्तों ये बहुत अच्छा है आईटी एक्ट आईटी एक्ट दोस्तों ये जब से लागू हुआ है ना तो फ्रोडिंग थोड़ी सी कमी हुई है पहले इससे ज़्यादा थी दोस्तों आई एक्ट लागू नहीं होता तो ये आज बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हो जाता ये नियम साल 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी किए गए थे मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन से जुड़े इन नियमों के ड्राफ्ट पर 17 जनवरी तक लोगों की राय मांगी है लोगों की राय मांगी है इसके बाद में शुरू करेंगे इसके बाद में जो नियम है जिसके बाद फरवरी की शुरुआत में नए नियम तैयार हो जाने की उम्मीद है दोस्तों जो लोगों के सजेस्ट किया जाएगा उनको उनमें ज्यादा दी जाएगी शामिल किया जाएगा मित्रों आगे देखेगा फेम इंडिया फेज सेकेंड के योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई दोस्तों दिल्ली के अंदर 50 इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बसें जो लॉन्च गई है फेस इंडिया फेम इंडिया फेज सेकंड की योजना के तहत दोस्तों ये योजना देखिएगा केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेश महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सरकार ने तीन इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर दिया है इनमें से अब तक कुल सत्रह बसों को तैनात किया जा चुका है मित्रों और भी बसें तैनात हो रही है आगे देखेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

मित्रों सियोम पुल का उद्घाटन किया था दोस्तों अब बात कर रहे हैं सियोम पुल किस काम के लिए देखेगा अलग एक इक्ॉंग रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण से लोपरी सियोग जिले तुतिग और इन इन क्यांग क्षेत्रों में पहुंचाने में सुविधा मिलेगी दोस्त देखा होगा दोस्तों जो बॉर्डर सीमा क्षेत्र है उस पर फिलहाल ना इस इसपे फिलहाल क्या हो रहा है उस उसमें फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम होना शुरू हो चुका है दोस्तों रोड बन रही है ठीक है रोड बनने का रीजन दोस्तों ज्यादातर ये है कि हमारे युद्ध के समय या कोई भी स्थिति के समय हमारे हथियार सैनिक वगैरह जल्दी से वहाँ क्या क्या पहुँच जाए जल्दी से पहुँच जाए दोस्तों सीमा रेखा के पास में इसलिए ये सारा किया जा रहा है अब देखेगा राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से सियोम पुल के अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड सिक्किम पंजाब और राजस्थान में 21 नए पुलों

महिलाएं सियाचीन के अंदर दोस्तों अधिकारी के रूप में जाए तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हालांकि थोड़ा सा ये हो जाता है कि महिलाएं पुरुष में थोड़ा सा अंतर है मित्रों ये बात को मानना पड़ेगा लेकिन इसमें क्या है एक महिलाएं यदि अधिकारी है अधिकारी है तो ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं आएगी यदि ये महिलाएं यदि यदि ये महिलाएं स... कोई आरक्षक या मतलब सिपाही वगैरह या उस रैंक पे होती ना तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती मित्रों सारा काम खुद करना पड़ता अब इनको कोई दिक्कत नहीं देखो फोटो भी वगैरह भी खिंचवाई जा रही है तो बीच में बैठ के खिंचवाई जा रही है हालांकि मेरा इनके कोई प्रति वो नहीं है मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कैप थोड़ा सा महिलाएँ अधिकारी होती ना अधिकारी को चाहे पुरुष अधिकारी हो चाहे महिला अधिकारी हो ठीक है साहब इतना दिक्कत नहीं आती है सेना के अंदर ठीक है थोड़ा सा ये समझने वाली बात है आपको बस अब ये कौन मणि है कैप्टन शिवा चौहान मणि है मित्रों कौन मणि है कैप्टन शिवा चौहान ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तथ्य था यहाँ पे युद्ध सियाचीन के अंदर तैनात होने वाले महिला अधिकारी बनी है ठीक है आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा हाँ जी विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन आपसे तो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा हां जी ब्रेल दिवस मनाया जाता है मित्रों चार जनवरी को कब मनाया जाते हैं चार जनवरी को क्या मनाया जाता है ब्रेल दिवस ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल के नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है दोस्तों लुई जो ब्रेल दिवस है लुइस ब्रेल था उसके नाम पर ये इसका नाम भी रखा गया आपको ठीक है उसके जन्मदिन पर मनाया जाता है लुइस ब्रेल एक क्या है एक आविष्कारक है जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया दोस्तों ब्रेल लिपि है क्या दोस्तों एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से न देख पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं दोस्तों ये थी विश्व ब्रेल दिवस आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हाँ एक एक करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रेय सहायता कोष का शुभारंभ किया मित्रों आगेगा इस योजना का उद्देश्य क्या है जरूरतमंद जो बच्चे होते हैं या निराश्रित महिलाएं होती है उनको उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण होने वाले वहन को खर्च करेगी मित्रों आगे मित्रों आगे बढ़ रहे हैं हाँ जी एक भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया मित्रों मित्र भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया पीएम मोदी ने किया साहब आपका देखिएगा मित्रों थोड़े से इंपैक्ट फैक्ट क्या कहते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट यह है, है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन जनवरी दो को एक भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया मित्रों इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है दोस्तों आज के समय में जो भी टेक्नोलॉजी हो रही है ना उसकी वजह से हमारा भारत क्या कर रहा है विकास कर रहा है मित्रों अभी श्रम यदि व्यक्ति श्रम करता है यदि व्यक्ति मेहनत करता है तो इतना नहीं हो पाता लेकिन टेक्नोलॉजी विकसित करना हमें बहुत जरूरी है दोस्तों यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है तो आगे देखिएगा ओ एन जी सी दो हजार इक्कीस बाईस में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की क्या बन गई उद्यम कंपनी बन गई है मित्रों ओ एन जी सी

हाँ जी राज्यपाल करेगा मित्रों कौन करेगा राज्यपाल करेगा कलराज मिश्र फिलहाल वर्तमान में आपके पता राज्य है राज्यपाल है हमारे राजस्थान के शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे तो उन्नीस में शिमला समझौता पे हस्ताक्षर हुए थे उन्नीस इकहत्तर के, के अंदर क्या हुआ था हाँ जी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसके अंदर रिजल्ट यह हुआ कि एक बांग्लादेश एक अलग देश निकला मित्रों वहाँ से हाँ जी जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है तो स्वाई प्रताप सिंह हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह हो जाएगा आगे बढ़ रहे हैं देखिएगा आज के क्वेश्चन मित्रों आज के क्वेश्चनों के आंसर कल आ, आपको कल की क्लास में हम देंगे तब तक आप क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढ के या जिससे जिसको पता है कॉमेंट में आप इनका आंसर दे दीजिएगा यदि क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा राजस्थान में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य विभाग उदयपुर दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा गया प्रसिद्ध ग्रंथ किसके द्वारा रचित है महोबा या तुम्बुल युद्ध कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा जाता है दोस्तों इसी तरीके से आपको क्लास मिलती रहेगी आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के भी क्लास शेयर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच